नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका रोशनी रहांगड़ाले और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रंजिश के चलते सपा नेता पत्नी और मां की गोली मार कर की हत्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिन दहलाने वाली खबर सनसनीखेज सामने आई है। यहां समाजवादी पार्टी के नेता ने साथ उनकी पत्नी और मां को गोली मार कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया। जानकारी के अनुसार यह ट्रिपल मर्डर यूपी के बदायूं के उस है थाना क्षेत्र की है। यहां कुछ लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी को मां को घर से घुसकर गोली मार दी। इससे तीनों लोगों की मौत हो गई। वारदात के अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले में अचानक घुसी एक्सयूवी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के काफिले में अचानक एक्सयूवी घुस जाने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई। चालक की सूझबूझ से कोई हादसा नहीं हुआ। एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर संजय निषाद पूर्व निर्धारित कार्यकर्ता के अनुसार जनपद गोरखपुर से सुल्तानपुर के लिए दिन में करीब 2 बजे जा रहे थे। बड़े घर टोल प्लाजा को पार करते समय एकाएक टोल बैरियर पुलिस सुरक्षा घोड़े सो टोल कर पुलिस एक्सेस और बीसीआई कार से बीच एक लखनऊ का नंबर लिखी एक्सयूवी आ गई, जिसके चलते मंत्री की कार असंतुलित हो गई। किंतु चालक की सूझबूझ के चलते टोल फाटक को कार पर गिरने से बचाया। मंत्री के स्टाफ ने तत्काल सीओ हरैया एसईओ हरैया को मामले की अवगत कराया। भारत बांग्लादेश की जंग में किस टीम का पड़ला भारी। अपना पिछला मैच साउथ अफ्रीका से गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मुकाबले में अब बांग्लादेश से भिड़ेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में जीत बेहद जरूरी है। इस मुकाबले को जीतकर भारत अपनी सेमीफाइनल की दावेदारी में मजबूत करेगी। साउथ अफ्रीका से खिलाफ हार के बाद भारत टीम में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें को थोड़ा झटका लगा है। पॉइंट टेबल की बात की जाए तो भारत को बांग्लादेश के समान 4-4 अंक है। दोनों टीमों के 3-3 मैच खेले हैं, लेकिन रन टेट के आधार पर टीम इंडिया बांग्लादेश एक स्थान ऊपरी थी, दूसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश की टीम तीसरे नंबर पर है। उलटफेर में माहिर बांग्लादेश की टीम में पिछले मैच में आखिरी गेंद पर जिम्बाब्वे को 3 से हराया था। अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की कप्तानी में बांग्लादेश की टीम को भारतीय टीम हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।